हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। कल के दिन दोस्तों यहां पर श्योर शॉट अपर सर्किट लगने वाला है और उसके पीछे दोस्तों रीजन क्या है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और कैसी स्ट्रेटेजी को लेकर अभी हमें यहाँ पर चलना चाहिए, सारे पहलुओं पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर और यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। देखिये, ट्राइडेंट लिमिटेड का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 12 तारीख को आया था। 12 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 13 तारीख को मतलब फ्राइडे को मार्केट ओपन भी हुआ था और हमें जो है यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। लास्ट जो ट्राइडेंट का स्टॉक क्लोज हुआ वो तकरीबन 21.45 रुपए पे दोस्तों क्लोज होता हुआ नजर आया था। थोड़ा सा नीचे आए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम किस तरीके से जनरेट हुआ था। थोड़ा सा नीचे आ जाए और यहाँ पर देखें, अब तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 83 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इतना कम वॉल्यूम क्यों जनरेट हुआ दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है एनएससी बीसी दोनों मिलाकर। ऐसे अगर नॉर्मली हम देखें लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो 4 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियस वीक की, तकरीबन 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इवन दो अगर हम फ्राइडे को छोड़कर अगर हम थर्सडे की भी बात करें तो यहाँ पर 3 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन दोस्तों आप देखें मात्र 83 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जिन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर बाइंग करी है उन्होंने सेल किया ही नहीं है। जितने स्टॉक खरीदे उतने स्टॉक को दोस्तों सेल नहीं किया, सबकी सब होल्डिंग में उठा ली और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, ज्यादा बिक्री खरीद यहाँ पर दोस्तों नहीं हुई, बाइंग सेलिंग ज्यादा यहाँ पर नहीं हुई, इसीलिए दोस्तों ज्यादा वॉल्यूम भी यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ। और दोस्तों ये शो करता है कि कल के दिन भी यहाँ पर एक अपर सर्किट लगने वाला है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। थोड़ा सा नीचे जाए और यहाँ पर देखिए आप कम्युनिटी सेंटीमेंट, तकरीबन 81% लोग दोस्तों यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं और 19% लोग यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं और 0% लोग कोई भी यहाँ पर दोस्तों सेल करना नहीं चाहता है। कौन दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक को सेल करना चाहेगा जिसने कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। और मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों इसने की साइट के ऊपर, यहां पर आप देखें इस स्टॉक को किस तरीके से दोस्तों इसने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। हाँ मैं मानता हूं मार्च वाले क्वार्टर में इनके प्रॉफिट थोड़े कम जरूर हुए थे, लेकिन वहां पर दोस्तों कारण भी था। और कारण दोस्तों ये था कि जो पेंडेमिक का दौर चल रहा था उस टाइम सभी बिजनेस की हालत ऐसी ही थी, उसके बावजूद भी दोस्तों इन्होंने अपने आप को संभाला और तकरीबन 76 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। लेकिन इस बार दोस्तों आप देखें इतना अच्छा इन्होंने क्वार्टर वन में बिजनेस किया कि अब एक नए मार्केट में दोस्तों ये एंट्री भी ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी ट्राइडेंट लिमिटेड जो है वो डिटर्जेंट जो है उस मार्केट में भी एंटर कर रहा है और प्लस उसके बावजूद भी दोस्तों क्योंकि वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा, उसके बावजूद भी दोस्तों इनको जो है यहाँ पर 207 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। तकरीबन मानकर चलें आप कि यहाँ पर 200% का दोस्तों प्रॉफिट हमें दिखाई दिया है। और अगर हम कंपेयर करें दोस्तों लास्ट ईयर से तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 2000% का आपको प्रॉफिट दिखाई देगा और इतने कम प्राइस पर इतनी अच्छी कंपनी दोस्तों आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है। मैंने आपको कई बार बोला है जब ये स्टॉक 7 रुपए में था उस टाइम भी दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर आपको बाइंग जरूर करनी चाहिए। और देखें आज के दिन ये स्टॉक तकरीबन दोस्तों 21-22 के रेंज पर है, अभी भी दोस्तों ये कोई बड़ी रेंज पर नहीं पहुंचा है। ये 3 डिजिट में स्टॉक बहुत जल्द आपको जाता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हुआ नजर आ रहा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है थ्रू द गवर्नमेंट ऑल्सो, उसको अगर देखा जाए तो ये कंपनी दोस्तों बहुत आगे जा सकती है। और हम सभी जानते हैं कि ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी दोस्तों इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपोर्टिंग में नंबर वन पर है ये। गोल्डन अवार्ड दोस्तों इनको कुछ दिनों पहले ही अभी मिला था क्योंकि इनका एक्सपोर्ट इतना ज्यादा था। दोस्तों हर एक पहलू को देखते हुए आपको जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अगर मैं आपको टॉप 5 पेनी स्टॉक्स बताऊं तो दोस्तों टॉप 5 में भी ये वाला जो स्टॉक है वो नंबर 1 पे ही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कमी निकालना दोस्तों बहुत मुश्किल है इसीलिए। और अगले क्वार्टर
दोस्तों यहाँ पर ये जो प्राइस अभी आपको 21.45 रुपए में दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों प्राइस आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला, ये डेफिनेटली दोस्तों तकरीबन 30 के पास चला जाएगा अगले क्वार्टर तक। इसी तरीके से दोस्तों क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर हमें एक बढ़त नजर आती जाएगी, तो बेटर ये है कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करके रख लें, लॉन्ग टर्म में करके जरूर रखिएगा, आपको बहुत जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों अभी ये स्टॉक जो है एक मिड कैप स्टॉक बन चुका है, कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल कैप में आता था, लेकिन यस अभी 10,931 करोड़ का इनका मार्केट कैप हो चुका है। सेक्टर स्टॉक का पी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 का पी है, और आरओई अगर देखेंगे आप तकरीबन 10 का दोस्तों इसका आरओई हमें नजर आता है। एक टाइम पे दोस्तों ये स्टॉक 70 रुपए का था, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्प्लिट किया और 10 के फेस वैल्यू से 1 रुपए का फेस वैल्यू इन्होंने अपनी कर ली, और उसी टाइम पे दोस्तों ये स्टॉक जो है 7 रुपए में आ चुका था, 7 रुपए से वापस से दोस्तों ये स्टॉक अभी 22 के रेंज पे जा चुका है, एंड डेफिनेटली हमें बहुत जल्दी दोस्तों ये वापस से उसी लेवल पर जाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों 12 तारीख को इसके इनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं और अब ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है दोस्तों 30 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखें हर एक प्राइस जोन पर ये कुछ टाइम जाता है, देन आफ्टर दोस्तों ये एक स्टेप ऊपर जाता है। अगर आप देखें गौर करें यहाँ पर, देखें कुछ दिनों तक दोस्तों ये इस प्राइस रेंज पर था, मतलब तकरीबन 6 से 7 रुपए में, फिर एक स्टेप ऊपर गया तो तकरीबन दोस्तों 8 से 9 रुपए में आया, फिर एक स्टेप ऊपर गया और तकरीबन 9 से 10 में गया, और फिर अभी एक लंबी जंप लगाने के बाद दोस्तों ये बहुत दिनों तक 13-14 की रेंज पर भी था, और 13-14 की रेंज में दोस्तों तकरीबन 2 से 3 महीने तक था, वहां पर कंसोलिडेशन इसने दिखाया, देन आफ्टर एक स्टेप और ऊपर गया और बहुत दिनों तक फिर 17 से 18 की रेंज पर दोस्तों घूमता रहा, एंड अभी यहां पर इसने एक स्टेप और ऊपर ले लिया है। अगर आप देखें यहां पर तो अब दोस्तों ये 20-21 की रेंज पर जा चुका है, कुछ दिन दोस्तों यहां पर भी ये रहेगा, राइट, मतलब 25 के लेवल तक आप मानकर चले, देन आफ्टर ये एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक को रोकना इम्पॉसिबल है, जल्दी जितना जल्दी आप यहां पर होल्डिंग ले लेंगे कुछ ना कुछ उतना अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों आपको क्या सोचना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और स्पेशली इनके जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी इनकी कुछ ना कुछ होल्डिंग्स हैं या फिर आप दोस्तों यहां पर कुछ ना कुछ बाइंग करना चाहते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होने वाला है और उससे पहले मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, रिजल्ट इतने अच्छे आए थे इनके कि यहां पर कल के दिन बाइंग करनी तो बनती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।